नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अबोंग किचन टिल्स। मैं हूं अर्पिता। समर सीजन मतलब आम के सीजन, और ये आम से बहुत सारे डेजर्ट बनाए जाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो बिंटो केक। बिल्कुल फ्रेश मैंगो यूज़ करके ये बनाएंगे, और ये दिखने में जितना क्यूट लग रहे हैं, ये खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाते हैं। पहले केक स्पंज रेडी करना है, तो सबसे आसान प्रोसेस बताती हूँ। एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। इसे पीस ले अच्छे से, तो बन जाएगा पाउडर शुगर। और अब डालें इसमें एक तिहाई कप तेल, एक अंडा। एक ग्लेज बनाना चाहते हैं तो अंडे के जगह डालें एक चौथाई कप दही, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। ब्लेंड करने के बाद ये पेस्ट एक बोल पर डालते हैं, ये देखिए। और अब डालेंगे इसमें दो तिहाई कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक पिंच नमक। अच्छे से मिला ले। मिलाने के बाद डालें एक चौथाई कप दूध, और ये दूध अच्छे से मिलाने के बाद बैटर रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और ये केक बेक करेंगे पैन पे। जी हाँ, कोई मोल्ड की जरूरत नहीं, सिर्फ पैन पे ही बेक हो जाएगा। तो एक पैन लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। और अब पैन के साइज के एक बटर पेपर लगाएंगे, थोड़ा ऑयल इसमें भी ब्रश कर लेंगे, और बैटर की आधी क्वांटिटी इसमें डालेंगे। अब गैस पे लोहे की तवा या फिर कोई भी तवा गरम कर लेंगे, और उसके ऊपर ये पैन रख के लीड बंद करके लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक बेक करना है। और ये 6 मिनट बाद ये देखिए अच्छे से बेक हो गया है, और ठंडा करके बटर पेपर हटा के इसे अब फर्दर प्रोसेसिंग करना है। तो अब ये बेंटो केक के लेयर बनाते हैं। तो बेंटो बॉक्स की साइज़ के हिसाब से ये ग्लास यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी छोटे कटोरी से भी कट कर सकते हैं। तो मैं 3 लेयर में कट कर लिया, ये देखिए। तो चलिए अब क्रीम रेडी करते हैं। तो यहाँ 2/3 कप व्हिप क्रीम लेंगे, और ये चिल्ड व्हिप क्रीम है, और ये लिक्विड फॉर्मेशन में ही होनी चाहिए, और ये नॉन डेयरी स्वीटेंड व्हिप क्रीम है, तो इसीलिए अलग से शुगर ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो ये स्टीप पिक आने तक बीट करना है, और ये देखिए स्टीप पिक आ गया है, अच्छे से बीट हो गया है। तो थोड़ा कलर देने के लिए मैं यहाँ येलो जेल फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रीम रेडी हो गया है। तो चलिए अब केक असेंबल करते हैं। तो मैं जो केक बटर बनाया था वो 2 बेंटो केक के हिसाब से ही बटर बनाया था, तो इसीलिए और एक बेंटो केक चलिए असेंबल करते हैं। तो बन गया है आज की रेसिपी मैंगो बेंटो केक, है ना कितना क्यूट और आसान सा रेसिपी। ऐसे बेंटो केक किसी भी फ्लेवर के आप बना सकते हैं, पर ये आम के सीजन है तो इसीलिए मैंने मैंगो बेंटो केक बनाया। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, और खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पे भी बहुत सारे रील्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, अगर आप फॉलो करें तो मुझे बहुत खुशी होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, और आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारे रेसिपीज़ देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।